टक्कर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़े, सोनामी को तबाही करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान कहते थे 12 अरब रुपए की करप्शन हुई, अब 12 अरब बच रहे हैं। करप्शन कौन कर रहा है? चीनी रातों रात 30 रुपए बढ़ जाती है, दाम कौन बढ़ा रहा है? उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब के पीके में 4 आईजी तब्दील होना, जबकि सिंध में आईजी का तब्दील ना होना खतरनाक है। महंगाई, जिस महंगाई ने तबाही मचाई है, इमरान हमेशा कहता था अपने जलसों में कि 12 अरब की रोजानों करप्शन हो रही है, अब तो 12 अरब बच रहे हैं, फिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, फिर वो कौन करप्शन कर रहा है? चीनी रात की रात में बढ़ के 30 रुपया बढ़ जाती है, कौन बढ़ाता है? ये चीनी की फैक्ट्रीज कौन है? लोगों ने क्या कसूर किया गरीब? पंजाब जो है 5 आईजी चेंज करता है, खैबर पख्तूनख्वा में 4 आईजी चेंज हो जाते हैं, तो ये जो फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक है और सूबों के अंदर एक यूनियन पैदा होती है जो मुल्क के लिए या मुल्क की रियासत के लिए या मुल्क के हुक्मरानों के लिए भी अच्छी बात है।